फ्रेंड्स, आई एम तेजस्विनी और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो कंटेंट होता है उसको हमें कैसे रेडी करना है, उसको हमें कैसे रेडी करना है, उस पर हमें कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो ये है मेरी फ्यू टिप्स आपके लिए जो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगी कंटेंट लिखने के लिए। तो फर्स्ट टिप है, जो भी आपका टॉपिक है या सब्जेक्ट है स्पीच या प्रेजेंटेशन का, जो भी आपका टॉपिक है, सबसे पहले तो उसको गूगल इंटरनेट पे सर्च करो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो। उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक है तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन ही जान लो, ठीक है। तो हमें अपने टॉपिक का एक्चुअल मतलब जानना है, उसकी डेफिनेशन जाननी है, ठीक है। आपने सर्च कर लिया, आप जान गए, डेफिनेशन जान गए आपके टॉपिक की, तो सबसे पहले पेन और पेपर उठाइए और वो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब है सेकंड टिप, अब हम आएंगे डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टॉपिक है करप्शन, ठीक है, तो हम अभी नेट पे सर्च करेंगे करप्शन के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी विकिपीडिया या स्टोरीज आती है, जितना भी एक्सप्लेनेशन आता है, हम उसको थोरोली पढ़ेंगे। यूट्यूब से अगर आप प्रेफर करते हो पढ़ना तो आप उससे पढ़ लीजिए, नेट से प्रेफर करते हो नेट से प्रेफर करो, सोशल नेटवर्किंग साइट से अगर प्रेफर करते हो कंटेंट के सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ना तो आप उससे पढ़ लीजिए, लेकिन आप थोरोली पढ़ लेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब वो आ गया पूरा माइंड में, उसके बाद हम अभी एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अपनी पेन और डायरी लीजिए और जितना भी आपने पढ़ा है, जितने भी आपको हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स मिले हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या करा हमने, जो बुलेट पॉइंट्स, हमने जितना भी मटेरियल R&D करा वो हमने लिख लिया, ठीक है, और बुलेट पॉइंट से रिलेटेड जितना भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन रेडी। आपको एक्सप्लेनेशन पे काफ़ी वर्क ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसका मेन पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन, तो हमारा एक्सप्लेनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन रेडी, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन रफ है, हमें उसे मोर इंटरेस्टिंग बनाना है, तो इसके लिए है मेरी थर्ड टिप। सो थर्ड टिप में क्या कीजिए, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड रियल टाइम एग्जांपल्स ढूंढिए। रियल टाइम एग्जांपल से ऑडियंस हो या लोग हो, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। या अगर आपका कोई पर्सनल एग्जांपल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा टॉपिक है करप्शन, अगर आपने कभी करप्शन फेस करा हो तो आप वो मेंशन करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन रेडी होने के बाद थर्ड टिप हमारी ये है कि जितने भी रियल टाइम एग्जांपल्स हमें मिलते हैं टॉपिक से रिलेटेड, हमें सब उठाने हैं और उसे नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो अभी है फोर्थ टिप। फोर्थ टिप है कि हमारे पास ह्यूमर भी होना चाहिए, जब हम कोई कंटेंट या कोई कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमर हम कैसे ऐड ऑन करेंगे, उस टॉपिक रिलेटेड जितनी भी शेर व शायरी है, जितने भी जोक्स है, जितने भी स्टोरीज़ है, फनी स्टोरीज़ है, उसको फाइंड आउट करो और उसको उसमें से एक अच्छी वाली जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो फाइंड आउट करके उसको नोट डाउन कर लो। तो क्या हो गया, डेफिनेशन हमारी रेडी थी, एक्सप्लेनेशन हो गया, हमने उसमें रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी डाल दिए और हमने जोक, शेर व शायरी, पोएम्स भी हमने ढूंढ के रख लिया है। अब है फिफ्थ पॉइंट है कि जो हमारा कंटेंट है या जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए हम कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हमें कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है एंड में। फिर टॉपिक अगर सोशल हो या नॉर्मल हो, टॉपिक कोई भी हो, उसका कंक्लूजन या एंड बहुत ही सही होना चाहिए। तो क्या कीजिए, अगर कोई इंस्पिरेशनल टैगलाइंस है तो उसको फाइंड आउट करो, ठीक है, या आपका सोशल इशू है तो आप उसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन दो, तो जेन्युइन सॉल्यूशन लिखो एज अ कंक्लूजन और उसी पे एंड करो। तो लेकिन अभी सिक्स पॉइंट ये है कि हमने सब मटेरियल जमा कर लिया है, हमें उसे रीऑर्डर करना है। तो रीऑर्डर कैसे करेंगे, इसके लिए है मेरी नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आएगा उसका डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की उसको पहले लिखे, उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के जस्ट बाद आप कुछ शेर व शायरी या पोएम ह्यूमर के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। एक्सप्लेनेशन होने के बाद उसमें बीच बीच में रियल टाइम एग्जांपल्स ऐड करते रहो, तो क्या होगा, लोग बोर नहीं होंगे, लोग बहुत इजीली कनेक्ट करते रह कर सकते हैं आपसे। तो एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में हमें रियल टाइम एग्जांपल्स डालने हैं, खुद के एग्जांपल्स डालने हैं,
ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, हमें बहुत अच्छे से जो हमने टैगलाइन ढूंढी थी या मोटिवेशनल स्टोरी या कुछ ये ढूंढा था, उससे हमें कंक्लूड करना है। अगर हमारा सोशल इशू है तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है उसमें, ठीक है। तो ऐसे हमें कंटेंट बनाना है। तो ये थी मेरी कुछ टिप कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कंटेंट कैसे रेडी किया जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून अगेन विद द बेस्ट टॉपिक। थैंक यू।